ग्राम लोहारती में अज्ञात महिला के खलिहान में मिला लाश, ठंडे की वजह से मौत होने की आशंका। ग्राम पंचायत लोहरसी बोर्दा बीच खलिहान के पास में एक अज्ञात महिला की लाश मिली। आशंका ये जताई जा रही है कि महिला की मौत ठंड से ठिठुरने से हुआ, क्योंकि महिला की लाश पूरी तरह से ठंड से अकड़ गया था। महिला की उम्र 35 से 40 वर्ष के लगभग बताई जा रही है। फिलहाल महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मौत किस कारण से हुई, ठंड से या फिर अन्य कोई कारण से। शिवरीनार पुलिस के द्वारा हालांकि शव का पंचनामा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, लेकिन अभी तक अज्ञात महिला की लाश किसका है, क्या नाम है, कहां से आया, इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है। वहीं इधर फिलहाल पुलिस द्वारा इस बात की पताशाजी भी की जा रही है आखिरकार यह महिला कौन है और कहां से आई है। टीवी इंडिया 18 संवाददाता मिलराम कश्यप की खास रिपोर्ट। लोमास प्रसाद पटेल, जनप्रतिनिधि, ग्राम पंचायत लोहरसी। ये जो मेर्रा खार बोलते हैं इसको, बोर्दा रोड में है, बोर्दा कामता और लोहरसी के बीच में। और ये मानसिक रूप से थोड़ा से माइंडेड लग रहा है, ये माइंड डिस्टर्ब है। और ये ठंडी में इनका मृत्यु हो गया है, ये कोई प्रकार से ये नहीं है हादसा नजर, मेरे को जानकारी नहीं है। बाकी लोग बाग बोलते हैं कि इधर घूमते रहते थे करके। मृतिका की पहचान अब हम लोग को जानकारी नहीं है। चलो ठीक है। 12/2021 को जो है ग्राम लोहरसी का कोटवार शिवरात्रि जो है थाना में सूचना दिया कि एक अज्ञात महिला जिसकी उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष के बीच है, लोहरसी से जो है बोर्दा रोड और लोहरसी निवासी मंगतू सतनामी के खेत में जो है मृत अवस्था में जो है पड़ी है। सूचना पर मौके पर पहुंचकर जो है देहाती मर्ग इंडिमेशन चाक किया गया, जो है पंचानों एवं गांव वालों की उपस्थिति में जो है शव का जो है पंचनामा कार्रवाई किया गया जो है। तो ऐसा सूचना मिली है जो है, एक अभी बस वाले बताया जो है, स्कूल बस का जो ड्राइवर है जो है, ये महिला जो है अर्धविकसित है, दिमागी हालत उसका ठीक नहीं है जो है, रोड में इधर उधर जो है घूमती रहती थी जो है। पंचनामा कार्रवाई से ऐसा प्रतीत होता है कि जो है कि ठंड की वजह से जो है इसकी जो है मृत्यु हुई है। फिर भी अभी पंचनामा कार्रवाई करने के बाद जो है शव का जो है पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पोस्टमार्टम से स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी।